उत्तर बिहार के सभी जिलों में अगले 2 से 3 दिनों में मानसून सक्रिय हो जाएगा। REU पूसा मौसम विभाग की ओर से मंगलवार को पूर्वानुमान जारी किया गया। इसके तहत मानसून तो सक्रिय हो जाएगा, लेकिन अच्छी बारिश की संभावना नहीं होने की जानकारी दी गई है। अधिकांश जगहों पर हल्की बारिश होगी। इसके बावजूद हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। 2 से 3 दिनों तक उमस की स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार इस अवधि में लगभग जिलों में आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे। आपको बता दें कि बीते सोमवार से बिहार के उत्तर पूर्वी हिस्सों में मानसून प्रवेश कर चुका है। दूसरी ओर धीरे धीरे अधिकतम तापमान नीचे की ओर गिरने लगा है। विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार अधिकतम तापमान 37.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो अब भी सामान्य से 1.4 डिग्री अधिक है। वहीं न्यूनतम तापमान 26 डिग्री दर्ज किया गया। पूर्वानुमान के अनुसार 18 जून तक औसतन 10 से 14 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पछुआ हवा चलने की संभावना है। दूसरी ओर उमस की स्थिति बनी हुई है, जिस कारण लोग गर्मी से बेहाल हैं। राहत के लिए लोग मानसून आने का इंतजार कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर सहित आसपास के जिले में भी बारिश की संभावना है। इधर गर्म हवा के झोंके के कारण सड़कों पर लोगों की आवाजाही कम थी। लोगों को अब गर्म हवा के थपेड़ों से राहत मिलने की संभावना है। साथ ही तेज धूप और उमस भरी गर्मी से लोग बीमारी का शिकार हो रहे हैं। सदर अस्पताल, SKMCH और केजरीवाल अस्पताल में बीते 1 सप्ताह से मरीजों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। ज्यादातर मरीज उल्टी दस्त और पेट दर्द से पीड़ित होकर भर्ती हो रहे हैं। ऐसे में मानसून के आने पर भी सावधानी बरतनी पड़ेगी। बदलते मौसम में पहली बारिश भी तबीयत बिगाड़ सकती है। बारिश में भीगने और नहाने से लोगों को परहेज करना होगा। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।